आज हम अपने मेहमानों को एक ऐसे खास दोस्त से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी मेहनत से, अपनी कर्मठता से अपने नाम को स्थापित किया है। आज हम आपको एक ऐसे विधायक से मिलवाने जा रहे हैं जो कि साथ में नारी हैं और साथ में नारी के दर्द को उन्होंने समझा भी है। और इसी के साथ आज हम अपने दर्शकों को उस मेहमान से रूबरू कराने जा रहे हैं, डॉक्टर मंजू शिवाज जी, जो कि विधायक हैं मोदी नगर से, बीजेपी पार्टी से। और ये भी जानेंगे आज कि उन्होंने योगी सरकार में किस तरीके से, उनकी क्या प्लानिंग है, किस तरीके से वो समाज को और नई चीजें वो दे रही हैं और क्या नई चीजें वो देना चाहते हैं। इन्हीं चीजों से आज हम अपने दर्शकों को रूबरू कराने जा रहे हैं डॉक्टर मंजू जी से। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एलएन न्यूज चैनल में। और हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले अपने हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो पाठक हैं, उनको आप एक अपना एक जो आपका जो सफर रहा है कि विधायक तक की जो आपकी एक एक जो परिभाषा जो आपकी रही है आपके नजरिए में कि किस तरीके से आप यहाँ तक का जो सफर आपने तय किया, मैं चाहूंगा कि वो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। बाय प्रोफेशन मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, लेप्रोस्कोपी सर्जन हूँ और 91 से मोदी नगर में मैं अपने हॉस्पिटल में प्रैक्टिशनर हूँ। और अपना मेरा हॉस्पिटल है जो एक अच्छा लेप्रोस्कोपी सेंटर है और उसमें सभी फैकल्टीज हैं, सभी ब्रांचेस हैं। तो 91 से लेके 2012 तक मैं यहाँ पर आराम से डॉक्टरी कर रही थी। लेकिन कुछ ऐसा बदलाव आया कि चेयरमैन इलेक्शन में सीटों को अचानक से महिला कर दिया गया, जबकि कुछ अच्छे लोग जेंट्स उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, लेकिन सत्ता के दबाव में और कुछ लोकल पॉलिटिशियंस ने उस सीट को महिला कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पढ़ी लिखी महिलाएं आनी चाहिए पॉलिटिक्स में। तो मैंने इलेक्शन लड़ा और 2012 से जो इलेक्शन लड़ा, हालांकि मैं उसमें अच्छी पोजिशन में रही लेकिन मैं जीत नहीं सकी। और उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चे के जिलाध्यक्ष के पद पर रही और महिला मोर्चे के जिलाध्यक्ष के पद पर रहते हुए मैंने गांव की, शहर की, सबर, अमीर गरीब, पढ़ी हुई अनपढ़, सभी तरह की महिलाओं को अपनी पार्टी के साथ जोड़ा। और यही नहीं, बहुत सारे लोगों को मैंने पार्टी की विचारधारा के बारे में बताया और उसके लिए काम करा। फिर मैंने जो अपने कैंप्स में लगाती थी उनको मैंने बढ़ा दिया। सोशल वर्क मेरे पहले से ही चलते थे, वो काफी शांत रूप से चलते रहते थे, तो सभी लोग मुझे जानते थे मोदी नगर के। उसके बाद धीरे धीरे काम करते करते मुझे जो है एमएलए का टिकट मिला और काफी मंथन के बाद पार्टी ने मुझे टिकट दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बार टिकट मांग रहे थे और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे एमएलए का टिकट मिला। और उससे भी ज्यादा सुखद सौभाग्य ये रहा कि हमारे मोदी नगर की जनता ने बहुत ज्यादा वोटिंग करी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वोटिंग बहुत ज्यादा करी, 65.9% हमारे यहाँ वोटिंग हुई, 3.2 लाख वोटर हैं हमारे यहाँ और हमारे यहाँ 2.13 लाख वोटिंग हुई। और आपको जानकर अचंभा होगा कि 51.2% वोटिंग मेरे लिए हुई और बाकी की वोटिंग जो है अदर्स 9 कैंडिडेट्स के लिए हुई। और जनता ने मुझे इतने भारी बहुमत से जिताया है, जबकि मेरे सामने दो सिटिंग एमएलए, एक मोदी नगर के एमएलए, एक हमारे मुरादनगर के एमएलए थे और एक सिटिंग हमारे यहाँ के चेयरपर्सन थी। तो उस परिवार से इन तीनों के सिटिंग जो एमएलए और चेयरमैन थे इनके विरुद्ध मेरा चुनाव था। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं लड़ी भी इलेक्शन और मैं जीती भी। और अब मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं समाज के लिए काम करूँ, क्योंकि पूरा मेडिकल प्रोफेशन, बहुत अच्छा मेडिकल प्रोफेशन जिसमें मैं बहुत अच्छे से काम कर रही थी, उसको छोड़ के ऑल ऑफ अ सडन मैंने अपनी ब्रांच बदली है। तो नेचुरली मैंने कुछ सोच के बदला होगा, क्योंकि पॉपुलैरिटी और पैसा और जो कुछ भी आदमी को चाहिए होता है वो सब मैं गेन कर चुकी थी। तो मुझे लगा कि नहीं, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए, वो अच्छी पॉलिसीज बना सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं समाज के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के कितने हाल बदहाल हो गए। उसमें कोई पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नहीं रही थी पिछले 10 सालों में, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत डाउन चला गया था। अगर हम बेसिक स्कूल्स लें, प्राइमरी हमारी पाठशालाएं जो है सरकारी, उनका स्टैंडर्ड बहुत डाउन चला गया, नकल होने के सेंटर्स बनते चले गए, तो एक अच्छा स्टूडेंट आगे नहीं आ रहा था। प्राइवेट जो नर्स
हॉस्पिटल्स एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बीसीए, एमसीए सारे खुलते चले गए। और आपको जानकर अचंभा होगा कि हमारे इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतने ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लेकिन सरकारी अगर मेडिकल कॉलेज में हम नजर डालें तो LLRM मेडिकल कॉलेज तब था और वो ही आज है। और मेरे हिसाब से आप हमारे इस पश्चिम क्षेत्र को, जो हमारा बागपत लोकसभा है, उसमें मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वेटनरी कॉलेजेस, टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट और इस तरह की चीजें, बीसीए एमसीए के सेंटर्स, बीएड के और सेंटर्स बढ़ने चाहिए, ये सब होना चाहिए। हमारे सांसद बहुत प्रोग्रेसिव माइंड है, वो इस दिशा में काम करते रहते हैं, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिलती रहती है क्योंकि वो शिक्षा के उसमें बहुत ध्यान रखते हैं। और साथ ही साथ हमें रोजगार के बारे में भी सोचना होगा कि हमारे जो बच्चे यहाँ से मोदीनगर एंड एडजेसेंट सिटीज से दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जाते हैं, वो क्यों ना हमारे बच्चे मोदीनगर में ही रुके, उनको रोजगार ही मिले। यानी ये मंजुमान, हम ये माने कि मोदीनगर में मोदी का जादू चला। हाँ बिल्कुल, मोदीनगर में मोदी का जादू चला और आगे भी चलता रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और आगे मोदी जी और योगी जी दोनों का जादू चलेगा। मैं वही आना चाह रहा था कि जिस तरीके से मोदी मैजिक जो चल रहा है, और उन्हीं की शायद ये गणमान्यता थी कि जो योगी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पे लाकर खड़ा करा, तो ऐसे संदर्भ में, ऐसी सिचुएशन में आप किस तरीके से मानती हैं कि योगी जी के जो फैसले हैं या योगी जी जो जिस तरीके से धड़ाधड़ जो फैसले लिए जा रहे हैं उनसे आप कितना सहमत हैं? देखिए, जब व्यवस्था बहुत खराब हो जाती है तो बिल्कुल इमरजेंसी एक्शन की जरूरत होती है। बिल्कुल, और इमरजेंसी एक्शन करने के लिए आदमी को सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और अपने चारों तरफ जो उसकी टीम है उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, तभी हम इमरजेंसी में कोई डिसीजन ले सकते हैं और उसको संभालने की कोशिश कर सकते हैं। जो मोदी जी ने ये डिसीजन लिए उनका नतीजा यह है कि आज देखिए हमारे कितने राज्यों में सरकार है। और मोदी जी इतने हिम्मत वाले व्यक्ति हैं कि हम चुनाव से पहले उन्होंने नोटबंदी कर दी। बहुत सारे लोगों का कहना था कि मोदी जी ने ये क्या कर दिया, चुनाव में नेगेटिव असर पड़ेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन आप देखिए नोटबंदी का हमारे चुनाव पे कोई नेगेटिव असर नहीं हुआ। हमारे तो हमारे दिल्ली के चुनाव भी हम जीते। तो स्ट्रिक्ट फैसला जो कि जनमानस के ध्यान में रखते हुए लिया जाए और बिना डरे हुए, क्योंकि उनकी सभी की अपनी पाक साफ इमेज है, उनके पास कोई ब्लैक मनी नहीं, उन्होंने नोटबंदी कर दी और सबके लिए कर दी, बीजेपी के लिए भी कर दी, सभी दलों के लिए कर दी। तो आम जनता बहुत खुश है, ये जो दो नंबर का पैसा है ये निकल गया और अब डिजिटल माध्यम से तो दो नंबर का पैसा रहेगा ही नहीं, सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। एक पक्ष पे और मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि जैसे हाल में अभी छत्तीसगढ़ में जो सुकान का जो बहुत बड़ा हादसा जो हुआ है हमारे शहीदों के साथ, उसमें यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी यही प्रतिक्रिया आई है और राजनाथ जी की भी यही प्रतिक्रिया आई कि भाई दोषियों को बख्शा नहीं जाए, दोबारा नहीं सुना। और आपने देखा होगा कि काफी लंबे टाइम से ये बार बार ऐसी वारदातें जो हैं, ये ऐसे सदमे जो हैं हमारे सैनिकों को दिए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं अभी इसमें नरम रुख जो है वो तैयार हो रहा है या इसमें कुछ कड़ा भी कदम उठाया जाए? देखिए, दूसरों से लड़ाई करना, दूसरे देशों से लड़ाई करना, विरोधियों से लड़ाई करना बहुत आसान है, लेकिन अपने घर में ही जब कुछ विरोधी पक्ष में खड़े हो जाए तो है वो अपने ही भाई बहन है, हालांकि वो अलगाववाद के तहत अलग चले गए हैं, तो उनसे लड़ाई करना एक बहुत मुश्किल काम रहता है। लेकिन मोदी जी और हमारे जो छत्तीसगढ़ के अपने मुख्यमंत्री हैं वो बहुत शिद्दत से लगे हैं रमनजी का पुराना। और देखिए, नमन करती हूँ मैं उन वीरों को जिन्होंने अपनी इस जान कुर्बान कर दी। कितना प्रोग्रेसिव काम हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय रमन सिंह कर रहे हैं कि वो सड़कें बना रहे हैं जंगल में। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ का जो जंगल है बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है और उसमें सड़कें नहीं है। पुराने समय में सड़कें बनाने की कोई हिम्मत नहीं कर पाता था। हमारे जो डॉक्टर रमन सिंह हैं उन्होंने कम से कम ये हिम्मत करी कि हर इस जंगल में मैं सड़कें बना के ही रहूंगा, तो उसके विरोध स्वरूप ये हुआ। क्या जनजाति जंगलों में रहने वाले लोग, उनको स्कूल की जरूरत नहीं है? क्या उनको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है? क्या उनको डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है? क्या उनको बिजली के खंभों की जरूरत नहीं है? ये कैसे जाएंगे? जब सड़कें होंगी तब जाएंगे। और उसी का विरोध करने के लिए जो नक्सलाइट्स हैं, इन्होंने ये बम से हमारे वीर जवानों को उड़ा दिया कि जिससे सड़क ना बने। लेकिन मेरा ये मानना है सड़कें बनेंगी और बहुत अंदर पर जाएंगी और थोड़े दिनों में इस मामले से हम मुक्ति पा लेंगे। एक और समस्या है जिससे मैं चाहूंगा कि आप उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखें। बार बार हम बात करते हैं बेटियों को बचाने, और कहीं ना कहीं हमारी बीजेपी सरकार का एक अहम हिस्सा भी है
कि बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ। तो अब नेचुरली कि उत्तर प्रदेश में हमारी बीजेपी की सरकार भी आ गई है, तो फिर भी कहीं ना कहीं क्या इस मुद्दे के ऊपर उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा काम होगा जिससे मोदी नगर की बेटियां सुरक्षित रह पाएं? बिल्कुल, देखिए आते ही पहले दिन तो एंटी स्लॉटर एक कैंपेनिंग चली, जो खराब किस्म के पशुओं को काट दिया जा रहा था और एक व्यापार का रूप दिया जा रहा था। आपको सुन के अचंभा होगा कि स्लॉटर हाउसेस का जो ड्रेनेज है वो अंडरग्राउंड वाटर तक में ड्रेन कर दिया गया। इस तरह की हरकतें चल रही थी, इनोसेंट जो हमारे एनिमल्स हैं उनको मार काट दिया गया, छोटे एनिमल मार दिए, बड़े एनिमल मार दिए, कहां तक हम एनिमल्स को मारते रहेंगे। तो उसमें योगी जी ने एक स्ट्रिक्ट स्टेप लिया और कोई भी मुझे लगता है वर्ग उससे परेशान नहीं है, आज सब लोग अपने हिसाब से काम में लगे हैं। और दूसरा उन्होंने जो लिया था कि एंटी रोमियो स्क्वाड, एंटी रोमियो स्क्वाड का मतलब ये है कि जो लोग हमारी लड़कियों को परेशान करते हैं उन्हें वहीं घर दबोच जाता है। हमारी मोदी नगर से जब लड़कियां बाहर चली जाती थी, बेचारी लड़कियां हमारे यहाँ पे मिले बंद हो गई उसके कारण बाहर जॉब करने जाती है, तो उनकी माताओं का, उनकी बहनों का, उनके परिवार वालों का दिल धड़कता रहता था कि हमारी लड़की वापस नहीं आई है। लेकिन आज मुझे नहीं लगता, एक सुरक्षा का वातावरण है और धीरे धीरे ये सब कुछ बदल रहा है, लड़कियां आराम से नौकरी पे भी जा रही हैं, आराम से वापस आ रही हैं, और ये एक सामाजिक कुरीति है। देखिए एक हमारा हिंदू समाज या हमारी भारतीय सनातन संस्कृति महिलाओं का बहुत सम्मान करती है, गार्गी जैसी महिला रही, सीता जैसी हमारी माँ सीता रही कि कदम से कदम मिला के जंगल में भी अपने राम जी के साथ चली, तो हमारी संस्कृति वो है। लेकिन बीच में संस्कृति ने विकृत रूप ले लिया, उसमें पर्दा प्रथा गई बहुत सारे लोगों से अपनी बेटियों को बचाने के लिए, उसमें दिन का विवाह जो था होता था पहले हमारे वो रात में कर दिया गया कि चुपचाप लड़की की शादी कर दो, पता ना चले किसने शादी करी किसने नहीं करी। तो ये इतने हमारे गुलामी रही है, तुर्क आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, तो उसमें हमारी थोड़ी ये चीजें बिगड़ गई। और उसी में आपने देखा होगा कि एक सती प्रथा भी चली, क्योंकि महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार होता था, चित्तौड़ के किले में कभी आप जाके देखिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप उस स्थान को देखेंगे कि कितनी राजपूतानियां वहां पे कूदी होंगी। आप उस मिट्टी को लेके मंदिर के साथ रखेंगे, इतना सम्मान हो जाता है वहां जाके। तो वो महिलाएं क्या करती हैं, वो बेचारी चिता में कूद के मर पड़ती थी, उनके पति नहीं रहे, मुगल उनके साथ दुराचार करेंगे, छोटी छोटी बेटियों के साथ दुराचार करेंगे, तो वो कूद जाती थी, वो उस समय की पुकार थी। लेकिन वो कुछ कुप्रथा का रूप लेके, हस्बैंड मर गया तो महिला को उसी के साथ जला दिया जा रहा है। धीरे धीरे समाज बदला, समाज में बदलाव आया। और देखिए जितना हम मॉडर्न हो जाते हैं तो जो मॉडर्न चीजें हैं उनका नुकसान भी होता है, अल्ट्रासाउंड आए उनसे जो कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हैं वो देखने के लिए, जेनेटिक डिफेक्ट्स देखने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग हुआ, लेकिन इंसान ने बड़ी शातिर दिमाग के साथ उससे मेल फीमेल भी करना डिसाइड कर दिया। और हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर ऐसा है, उसके पीछे मुझे लगता है कि लड़कियों की कम पढ़ाई, लड़कियों का शादी करके दूसरे घर चले जाना और लड़कियों की के लिए असुरक्षा की भावना और ये कि वंशवाद है लड़कियों से चलेगा, ये सारे जो सामाजिक कारण थे इसके कारण लड़कों को बढ़ावा दिया गया। लेकिन आज मोदी जी ने अपने कुर्ते का पल्ला उठा के हरियाणा से मांगा था कि आप मुझे मेरी बेटियां दे दीजिए, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर दूंगा, और वो अभियान बहुत तेजी से चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सभी उसमें डॉक्टर भी सहयोग कर रहे हैं, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। समाज का नजरिया बदलने की जरूरत है, हम दहेज कम कर दें, दहेज बंद कर दें, लड़कियों को नौकरियां मिले, कैसे नहीं होगा, लड़कियों के लिए बहुत फेवर करेंगे, बढ़ता समाज जो हमारे यूथ है वो लड़के लड़कियां सब बराबर मान रहा है, धीरे धीरे गाँव में भी बदलाव आ रहा है, मैं तो खुद डॉक्टर हूँ। ये सामाजिक स्तर पर बदलाव की जरूरत होती है। मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं कोई फीमेल क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, मुझ पे बहुत प्रभाव आते थे, मैं फलाना हूँ, मैं तो चौधरी वहां का प्रधान हूँ, मैं तो नेता हूँ, मैं तो अभिनेता हूँ, और पत्रकार भी आते थे, लेकिन और बदमाश भी आ जाते थे कभी कभी, अजी फलाना ये है वो है, लेकिन मैंने मन में सोच रखा था कि ये काम मुझे नहीं करना, तो मैं नहीं करती थी। और जब लोग ये ठान लेंगे काम नहीं करना तो नहीं होगा, तो उसमें पुलिस प्रशासन सरकार का कंट्रोल उससे ज्यादा ये है कि विचारधारा बदले, जिसको हम नाम देते हैं नशे का। जहां हम एक तरफ बात कर रहे हैं बेटियों को बचाने की, लड़कों को बचाने की, वहीं दूसरी तरफ यही बेटियां यही बेटे नशे की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो मैम ऐसा नहीं लगता, मैं ये सवाल आपसे एज ए डॉक्टर के नाते मैं चाहूंगा कि इसका मुझे उत्तर मिले कि जिस तरीके से आज युवा नशे की तरफ बढ़ चुका है या बढ़ रहा है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या मोदी सरकार कोई ऐसा कड़ा कदम नहीं उठाएगी कि जिससे एटलीस्ट हमारी बेटियां को बचे?
बिल्कुल देखिए, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां हो, जो खराब चीजें सिगरेट पीना, शराब पीना, भांग, हशीश, कितने लिए मैरिजुआना है, ये सब जो है महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी खतरनाक है, लेकिन महिलाओं के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि महिलाओं के फर्टिलिटी कम हो जाती है, उनके जो बच्चे हैं उनमें कंजेनाइटल डिफेक्ट्स आ जाते हैं, प्रीटर्म लेबर हो जाते हैं, बच्चों के वेट कम हो जाते हैं, बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट ठीक नहीं होता। तो ड्रग्स एंड ड्रिंक्स को महिलाओं को तो खासतौर से अपने फर्टाइल टाइम में तो इसको अवॉइड ही करना चाहिए। और देखिए सरकार के लेवल पे भी बहुत सारी चीजें चलती रहते हैं, लेकिन एक पूरा विचारधारा बदलने की जरूरत है। देखिए आज हमारे समाज में जो महिला ड्रिंक मेकर की हाई प्रोफाइल एलिट फैमिली की, तो उसको कहीं ना कहीं फील होता है कि मैं पीछे तो नहीं बनी, या अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे शराब नहीं पीनी, मुझे सिगरेट डिस्मोकिंग नहीं करनी, चाहे महिला है चाहे पुरुष है। और देखिए थोड़ी मात्रा में अगर कोई हमारे फॉरेन कंट्रीज में है कि वो डिनर के साथ लेते हैं, लेकिन वो एक मात्रा होती है कि 30 ml ले रहा है, हमारे यहाँ लोग बोतल भर भर के पी जाते हैं बिना पानी मिलाए और फिर सड़क पे पड़े रहते हैं, तो ये कोई सभ्यता नहीं है। तो हमें समाज में आएगा बदलाव, सरकार भी करेगी नशाबंदी, आबकारी विभाग मेरे यहाँ मोदी नगर में छापे मार रहा है, मेरी बहुत सारी महिलाएं परेशान थी, तो जो 2 नंबर के शराब के नकली शराब के सेंटर है उन पर खूब छापे डाले जा रहे हैं, और मैंने स्ट्रिक्ट बिल्कुल ऑर्डर दे दिया है सीओ को, और कई गाँव में मैंने कोशिश भी कर दी है पूरी की जो हमारे ये ठेके हैं शराब के और शराब की दुकानें हैं स्कूलों से 100 मीटर से अलग हों, इसलिए हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली लगे हैं। इसी मॉडर्नाइज का एक और पार्ट हमें देखने को मिलता है कि आज की डेट में मैम कहीं ना कहीं जो क्राइम जो है, हम मोदी नगर को इन्वॉल्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जब भी हम क्राइम का नाम लेते हैं तो हमें गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ के नाम गिना दिए जाते हैं। क्या उस पिक्चर से कभी मोदी नगर की बेल्ट बाहर निकल पाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मैं उस क्राइम की बात कर रहा हूँ, आज क्राइम बदल चुका है, आज मॉडर्नाइज क्राइम हो गया है, टेक्नोलॉजी वाला क्राइम हो गया, वो पहले वाला क्राइम नहीं रहा, लेकिन अब उसके भी तरीके बदल चुके हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे पहला यही है कि क्या मोदी नगर उन चीजों से कभी बाहर निकल पाएगा? नहीं, बिल्कुल निकलेगा। देखिए, और एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी जो एक महीने में है आम जनता में, वो हमें पिछले 10-12 सालों में कभी फील नहीं हुआ। और जो टोटल क्राइम देखिए अभी से 2 महीने पहले की बात है, 20 मोटरसाइकिल एक ही दिन में उठा ली है, और इन 2 महीनों में मेरे पास कोई नहीं आया कि भी मेरी मोटरसाइकिल उठा ली, मेरी साइकिल उठा ली, मेरा स्कूटर उठा लिया, ऐसे नहीं आई। तो देखिए चीजें बदल गई हैं, और जो ये फिरौती पे मर्डर हो जाते थे, प्रॉपर्टी डीलिंग में मर्डर हो जाते थे, एक्चुअली एनसीआर के पास होने में, बहुत बढ़ती प्रॉपर्टी डीलिंग में, बढ़ते जमीनों के दाम में, इन सब में क्राइम बढ़ा। हर आदमी को कम काम करके बहुत ज्यादा पाने की इच्छा रही, और समाज का नजरिया ऐसा हो गया था कि चाहे 2 नंबर का पैसा है, चाहे बदमाश है, चाहे कितने केस लगे हुए उस पर, अगर उसके पास पैसा है तो वो अमीर है। आप कितने पॉलिटिकल लोगों को उठाते देख लीजिए, कितने आप आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, हर गड़बड़ घोटाले में जिनका नाम आया, हर वर्ग के देख लीजिए, मैं एक ही वर्ग के लोग, तो सबको इच्छा ये रही कि जितना है उससे ज्यादा चाहिए और फ्री का 2 नंबर का चाहिए। वो विचारधारा बदल रही है। अब मोदी जी हैं, उनका कोई अकाउंट नहीं की हुई, उनका कोई अकाउंट, जब ऊपर से आदमी देखता है कि फलाने नेता ने अरबों रुपए कमा लिए, तो छोटा नेता करोड़ों कमाएगा, उससे छोटा नेता हजारों कमाएगा, तो वो चलते 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 टेल एंड तक प्रॉब्लम पहुंच जाती है। वो 10 रुपए की भी रिश्वत ले लेता है, लाखों से लेकर 10 रुपए की। अब देखिए कौन, आपने 2.5 साल के कार्यकाल में देखा क्या भाजपा जनता का कोई एमएलए, कोई एमपी भ्रष्टाचार में पाया गया? पहले आप 0 लगा लगा के 1-2 करके गिनते थे कि काली दाई सैकड़ा हजारे की लाख है, इतने लाख करोड़ का घोटाला है। आदमी को अपने ऊपर कंट्रोल ये नहीं होता था, विश्वास की ये मैं सही पढ़ रहा हूँ, इतने हजार करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। अब देखिए कोई घोटाला नहीं हो रहा, कोई घपला नहीं हो रहा, छोटी मोटी चीजें तो समाज में करती है, लेकिन एक जो सामाजिक समस्या है वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो एक एज ए डॉक्टर होने के नाते कई बार हमेशा ये मुद्दे आते हैं, मीडिया में भी एक बार ये मुद्दा उछाला जाता है कि भाई छोला छाप जो डॉक्टर्स होते हैं उन पे कभी सख्त और कड़े कदम नहीं उठाए जाते, या जब कोई मुद्दा सामने आता है तो 2-4 उनको लाइसेंस रद्द करके या छापा मार के उनको बंद कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वही मामला ठंडा हो जाता है। तो ऐसे में अब मोदी नगर में भी काफी ऐसी चीजें नजर आती हैं और हैं, तो क्या आप दोनों पेशों से हैं, आप डॉक्टर भी हैं और विधायक भी हैं, तो आने वाले टाइम में क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि मोदी नगर भी इन चीजों से मुक्त हो पाए? देखिए हमारे जो पूरे भारतवर्ष की समस्या ये है कि घटता हुआ शिक्षा का स्तर और घटता हुआ स्वास्थ्य का स्तर और बढ़ती हुई पॉपुलेशन,
तो हमारे जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उस रेशो में हमारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स पुलिस वाले नहीं पड़ रहे हैं, हर जगह कमी है। तो हमें और अच्छे डॉक्टर बनाने पड़ेंगे, ऐसे डॉक्टर बनाने पड़ेंगे जो थोड़ा सा गाँव में भी काम करें। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वो वैरायटी के डॉक्टर होते हैं, कुछ आयुष के हैं, कुछ होम्योपैथी के हैं, कुछ बीएमएस के हैं, कुछ जीएचएमएस हैं, कुछ बीडीएस हैं, कुछ एमबीबीएस हैं, कुछ एमसीएच करे हैं। तो उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें हमें लगाना पड़ेगा। और जो सरकारी हमारे डॉक्टर हैं वो पीएचसी पे जाएं, कुछ नियत समय जो उनको दिया जाता है वहां बैठे, तो रेगुलरिटी उसमें आएगी तो समाज बदलेगा। और जो देखिए झोला छाप डॉक्टर है, एक्चुअली समाज ही उनको प्रमोट करता है। एक किसी लड़के ने हॉस्पिटल में नौकरी करी, वो दो चार दवा का नाम सीख गया। दवाई अब देखिए आपको भी पता है क्रोसिन से बुखार उतरेगा, मेरे को भी पता है। अब हिंदुस्तान में हमारा ऐसा है कि पर्चे पे लिखी हुई दवाई के अलावा आप कुछ भी कह दीजिए बरवाली मिल जाता है। तो ये सालों से चली चीज आ रही है। अब इसमें धीरे धीरे हमारे मोदी जी भी लगे हुए हैं, जैसे उन्होंने बोला जेनेरिक ब्रांड से दवाई मिलेंगी, तो उसमें उन्होंने काफी सोच विचार भी करा होगा और स्टैंड सस्ता होगा। तो कितने काइंड हार्टेडली वो सोच रहे हैं कि गरीब आदमी को भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है, बेचारा स्टैंड नहीं डलवा पाता, तो उसके बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारी और चीजों के बारे में सोच रहे हैं कि जो लाइफ सेविंग महंगी दवाइयां हैं उनको भी सस्ता करा जाए। और ये औषधालय खोले जा रहे हैं, ये मेडिकल स्टोर्स खोले जा रहे हैं कि जिनपे सस्ती जेनरिक दवाई मिलेंगी। हालांकि उनपे भी हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा, जेनरिक ब्रांड्स पे भी, कि सस्ती हो लेकिन सब स्टैंडर्ड ना हो, सब स्टैंडर्ड, तो उसपे ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और मुझे लगता है कि जो अनट्रेन डॉक्टर्स हैं वो भी कटेंगे। और ट्रेन डॉक्टर से मैं निवेदन करूंगी कि जो उनकी ड्यूटी हो उसके अनुसार पीएचसी सब सेंटर्स पे जहां जहां ड्यूटी लगे वहां जाएं और सेवा करें। आखिर में मेरा एक सवाल है आपसे एजुकेशन, मैं चाहता हूं कि आपकी वो प्रतिक्रिया सामने आए जिसमें हमारे दर्शकों को पाठकों को एक्चुअल का आभास हो। आज जिस तरीके से हर कॉलेज के लिए, मेडिकल कॉलेज हो चाहे एनी कोई भी कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज में एडमिशन्स के लिए डोनेशंस का एक मुद्दा हमेशा हर बार सामने आता है। और मोदी नगर कहीं ना कहीं एक एजुकेशन हब एक माना जाता है और कहीं ना कहीं ये उस विस्तार में बढ़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां डोनेशन का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ रहा है और पढ़ाई का स्तर घट रहा है, तो इस सिचुएशन को किस तरीके से आप हैंडल करते हैं? देखिए अभी पिछले दो साल में, दो से तीन साल में, जब से हमारे जो कंबाइंड टेस्ट हैं इकट्ठे होने लगे हैं मेडिकल के, तो उसमें डोनेशन पे भी रोक लगी है। मोदी सरकार ने डोनेशन पे भी रोक लगाई है कि आप इतने परसेंट सीट इनको देंगे, इतना से ज्यादा फीस मिलेंगे, तो उस पर काफी हद तक लगी है। और मेरे देखते देखते, अगर मैं नाम नहीं लूंगी, आसपास में मैं अगर नजर डालूं तो बहुत सारे जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, बीडीएस हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ सीटें बहुत कम हो गया। क्योंकि जो स्टूडेंट्स को अगर हम सरकारी माध्यम से उनको अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो वो डोनेशन से नहीं जाएंगे। और एक विचारधारा आ गई थी कि भाई मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, मेरे पास तो पैसा है, मैं तो बना दूंगा। ये हम पैसे का घमंड बहुत ज्यादा हो गया था। देखिए हम तो 1500 रुपए साल में और 1500 रुपए की किताब वाले मेडिकल कॉलेज से पढ़े हैं कि 1500 रुपए एक साल में जमा होता था और 1500 रुपए की किताब आती थी, 5 साल में डॉक्टर बन गए। सरकारी मेडिकल कॉलेज था मेरा LLRM और 10वीं पोजीशन में था इंडिया में। लेकिन गिरावट आते आते सभी सरकारी जो हमारे मेडिकल कॉलेज है उनका स्टैंडर्ड गिर गया, क्योंकि हमारी पुरानी सरकारों ने हमारे ये सरकारी मेडिकल कॉलेजेस पे ध्यान ही नहीं दिया, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस पे ध्यान ही नहीं दिया। उनका फंड इधर उधर भगवान जाने क्या होता गया, तो वो स्टैंडर्ड नहीं रहा। लेकिन अब देखिए मोदी सरकार आ रही है, ओपीडी का टाइम हो गया है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, एम्बुलेंसेज आ रही है। मोदी जी तो इतने दयालु हैं, उन्होंने हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को पैसा दिया था कि लीजिए हेल्थ पे खर्च कर दीजिए, उनका एक तिहाई पैसा भी नहीं खर्च पाया था। एम्बुलेंसेज बनी, वो निकल गई, वो प्रोजेक्ट ही नहीं आए। जब अच्छे लोग आएंगे, ईमानदार लोग आएंगे, उनके मन में प्रोजेक्ट आएगा, तो वो शिक्षा के बारे में सोचेंगे। मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ कि मैं 91 से यहाँ पे रहती हूँ, तो मैं अपना सामाजिक कामों में मस्त रहती थी। मुझे कोई ऐसा नहीं था कि मुझे कोई पॉपुलैरिटी वो मिले, तो मैं चुपचाप करती हूँ वो काम, आज भी करती हूँ। हर स्कूल में मैं जाके बारी बारी से, मेरा फाइनेंस इतना अलाउ करता था कि एक स्कूल में एक बार कुछ बांट लूं। तो मैं एक बार एक अपने स्कूल में यही गई, मोदी नगर के पास वाले में सरकारी स्कूल में स्वेटर्स बांटने। तो दिसंबर के महीने में जब आप और हम बहुत मोटे मोटे कोट और स्वेटर पहन के घूमते हैं, तो आप दुर्दशा देखिए, मेरे सरकारी प्राइमरी पाठशाला में बच्चे जो हैं एक एक कमीज में, और उनके जिस टाट पट्टी पे वो बैठे थे वो बिल्कुल हट गई थी, फट गई थी, और उनके खाने का स्टैंडर्ड बहुत खराब था, और वो स्वेटर के लिए ऐसे लपक रहे थे कि जैसे पता नहीं ये क्या चीज है कि भूखे को रोटी मिली हो। और माताएं इतनी समझदार कि एक एक बच्चे को उन्होंने तीन तीन कमीजें पहना के भेजा था,
उनके पास स्वेटर नहीं थे, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आजादी के 67 ईयर्स से 3 साल पहली बात है भी हम यहाँ पे हैं, कि हमारे कुछ भाई बहन इतने पिछड़े हैं। तो हमें सबसे पहले जो है, हमें पहली क्लास से लेकर अब 10वीं क्लास तक का जो हमारे प्राइमरी स्कूल है उनका स्टैंडर्ड सुधारना पड़ेगा। 10वीं क्लास के बाद बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि अगर 6 गांवों के बीच में एक इंटर कॉलेज है तो साइकिल से वहां चला जाए। तो हमें वो रूट लेवल पे चीजें हमें सुधारनी है, टीचर्स की कमी पूरी करनी है, टीचर्स को बोलना है कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे, मॉडर्न शिक्षा देंगे, कंप्यूटर देंगे। सोचिए हमारे समाज से ही जो है मटौर गांव, जो बिल्कुल टेल एंड का गांव है, उसमें कंप्यूटर लगाने के लिए सोच रहे हैं। बहुत सारे समाज से भी आ रहे हैं, बहुत गवर्नमेंट के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं। बस हम लोगों को उन्हें इकट्ठा करना है आगे बढ़ाने के लिए। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना कि मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर आईएएस बन जाए, हमें ये भी सोचना है कि जो हमारे घर में बर्तन मांजती है उसका बच्चा कम से कम 10वीं 12वीं करता है, तभी समाज बदलेगा। नहीं तो समाज में करप्शन, बेरोजगारी, चोरी, डकैती, ये सब जो बुरी बुरी चीजें हैं ये सब समाज में होती रहेंगी। जब सारा समाज पड़ जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। और एक चीज और आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, सबसे ज्यादा हमें पढ़ाने की जरूरत है मुस्लिम लड़कियों को, क्योंकि जो मुस्लिम के ऊपर राजनीति सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन आज तक क्या किसी पुरानी पार्टी ने मुस्लिम लड़कियों के पढ़ाई के बारे में सोचा, दलित लड़कियों के पढ़ाई के बारे में सोचा, दूर दराज के गांव में रहने वाली लड़कियों के पढ़ाई के बारे में सोचा? कभी भी नहीं सोचा। वो चाहते ही नहीं कि ये लोग पढ़े, इनको वोट बैंक की तरह से यूज करें, इलेक्शन के बाद मामला खत्म और उसके बाद कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पढ़ेंगे, ये जागृत होंगे तो अच्छे लोगों को वोट करेंगे, इनकी अपनी समझ होगी। तो हमें शिक्षा की अलग जगानी है, स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहना है। और आई डोंट थिंक की कोई परेशानी है, हिंदुस्तान कल भी सोने की चिड़िया था, आज भी सोने की चिड़िया है, बहुत पैसा है हमारे पास। आखिर मैं चाहूंगा कि आप हमारे माध्यम से हमारे युवाओं के लिए, हमारे मोदी नगर की जनता के लिए और समस्त भारतवासियों के लिए डॉक्टर अंजू शिवाजी की तरफ से एक संदेश। मेरी तरफ से सभी युवाओं के लिए तो ये संदेश है कि कल की जो भारत की संस्कृति है, जो भारत की वैल्यूज हैं, वो आप उसे वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ले जाके छोड़ दें या अपनी भारतीय संस्कृति को बरकरार रखते हुए कंप्यूटर एज में ले जाए, वो आपके ऊपर है। जितनी भी हमारी ये नशा है, गलत चीजें हैं ये समाज में है, उनको हटाना आपके ऊपर है। हमारे ये पारी तो खत्म हो गई, आज हमारे युवाओं के ऊपर है। मेरा युवाओं से निवेदन है कि कितना ही आगे बढ़े, चाहे वो जेट एज में जा रहे हैं, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी भारतीय परंपरा, अपने भारतीय त्योहार, अपनी गाय, गीता, गंगा, गायत्री, साड़ी, बिंदी, अपना सलवार कुर्ता, अपनी देसी खाना, अपना गांव, खेत खलिहान, इसे ना भूलें, लौट के वापस नहीं आए। धन्यवाद। मंजू शिवाजी जिन्होंने हमारे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, जिन्होंने बताया कि युवाओं को संस्कारों में जीना, शॉर्टकट में, और इसी संदेश के साथ हम विदा लेते हैं मंजू मैम से। और आने वाले टाइम में हम दुआ करते हैं कि मंजू मैम फिर दोबारा एक अच्छे कामों से, एक अच्छी चीज़ों से वो सामने आए और अपने कर्तव्य का वो हमेशा अच्छे से पालन करें। और साथ साथ में अपने दर्शकों से हम ये भी अपील करते हैं, विधायक आपके साथ है लेकिन आपको भी उनका साथ है। अकेले विधायक भी नहीं, जब तक जनता उनका साथ नहीं देगी तब तक वो भी कुछ नहीं कर पाए। तो इसी सोच के साथ, इसी अच्छे मेहमान को विदा लेते हुए आज हम अपने दर्शकों से विदा लेते हैं, और अगली बार फिर हम आपको एक नए खास मेहमान से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए।